हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था, और वहां पर हमने उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ा, थ्योरी को पढ़ा था, कुछ फॉर्मूले सीखे थे। तो आई होप आपने वो पिछला लेक्चर देखा है और आपने उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। अब आज से हम लोग आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है बच्चों? तो तीन लेक्चर या उससे ज्यादा, हम लोग 3 या 4 लेक्चर्स हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल्स पे करेंगे, ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहले बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल्स करेंगे, धीरे धीरे न्यूमेरिकल के लेवल को हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे लेक्चर बाय लेक्चर, ठीक है बच्चों? तो जितने भी तरीके के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं या आए हैं, उन सबको हम लोग कवर करने जा रहे हैं, ठीक है? तो दो क्वेश्चन आपके सामने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का है, इनको जरा देखते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। बहुत इजी, बहुत बेसिक क्वेश्चन। बच्चों, क्वेश्चन कह रहे हैं कि पावर ऑफ लैंप इज 60 वॉट, यानी इसका सॉल्यूशन देखिए। इसके सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले देखना है क्या क्या गिवन है हमें, ठीक है बच्चों? क्या क्या गिवन है। देखिए, गिवन में हमारे पास सबसे पहली बात तो की है कि कह रहा है कि पावर ऑफ लैंप इज 60 वॉट। इसका पावर कितना है? 60 वॉट हमें दिया हुआ है। और कह रहा है कि फाइंड एनर्जी इन जूल्स कंज्यूम बाय इट इन 1 सेकेंड। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है या फिर इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका पावर 60 वॉट है, वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है 1 सेकेंड में, यानी टाइम आपको दिया हुआ है 1 सेकेंड। और आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है एनर्जी। You have to find energy. तो बच्चों, आप लोग फॉर्मूला जानते हैं कि एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम, राइट? एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। भाई, पावर हमारा 60 वॉट है और टाइम हमारा 1 सेकेंड है, तो आप जरा बताइए एनर्जी कितना होगा बच्चों? एनर्जी हो जाएगा 60 इंटू 160 एंड वॉट इंटू सेकेंड जूल, यानी कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है बच्चों? 60 जूल एनर्जी इस 60 वॉट पावर के लैंप से कंज्यूम हो रहा है 1 सेकेंड में, राइट? अच्छा, इसी तरीके से दूसरा सवाल भी देखते हैं। कह रहा है फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब रेटेड एज 100 वॉट टू 50 वोल्ट। देखिए, 100 वॉट बीच में डैश है, माइनस नहीं है, ठीक है? तो 100 वॉट का मतलब क्या होगा बच्चों? ये पावर गिवन है, एक बल्ब है जिसका पावर आपको दिया हुआ है 100 वॉट, और इस बल्ब का जो वोल्टेज है वो दिया हुआ है 250 वोल्ट, ठीक है? आपसे कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक बल्ब है जिसका पावर 100 वॉट रेट किया गया है और उसका वोल्टेज 250 वोल्ट रेट किया गया है, तो आपको उसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है। व्हाट डू यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड इट्स रेजिस्टेंस। तो बच्चों, एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला लगाया है यहां पर बताइए, जरा दिमाग में लाइए वो फॉर्मूला। पावर, वोल्टेज और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? टी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, राइट? टी इज इक्वल्स टू वी इंटू आई या आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर आर, तीन फॉर्मूले होते हैं। यहां वी और आर चाहिए था, तो वी स्क्वायर अपॉन आर। वी कितना है बच्चों? 250। तो 250 इंटू 250 डिवाइडेड बाई आर हमारा है 100। देखिए, ये जीरो इससे कट जाएगा, ये जीरो इससे कट जाएगा, पावर हमारा कितना हो? 25 इंटू 25 यानी कि 625 वॉट। क्लियर है बच्चों? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिए, समझ समझ कर नोट करिएगा। ऐसे क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाते हैं, तो इनमें आपके मार्क्स तो बिल्कुल भी नहीं जाने चाहिए, राइट, पेपर में। चलिए बच्चों, इसको नोट कर लें आप लोग। चलिए बच्चों, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड दो क्वेश्चंस हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग जरा पहले अच्छे समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, आसान है, लेकिन कई बार बोर्ड में ऐसे आसान सवाल आ जाते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आपके मार्क्स चले जाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा जरा, ऐसे क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स करंट ऑफ 5 एम्पीयर। एक इलेक्ट्रिक आयरन है, उस इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस 20 ओम है और उससे कितना करंट फ्लो कर रहा है? 5 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा है।
तो कह रहा है कैलकुलेट हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड तक अगर आप इसके थ्रू करंट फ्लो कराएंगे तो कितना हीट इसमें जनरेट होगा, कितनी हीट एनर्जी इसमें डेवलप होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो जरा इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। हमें पहले क्या क्या गिवन है ये गिवन लिख लेना चाहिए। क्या है गिवन है हमें? सबसे पहला चीज तो हमें गिवन है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है, इसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, राइट? और इसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है? 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है इसके थ्रू, राइट? और कह रहा है कितना हीट डेवलप होता है 30 सेकेंड में, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। क्या कैलकुलेट करना है, क्या फाइंड करना है आपको? यू हैव टू फाइंड द हीट डेवलप्ड, हीट एच। और आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, हीट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? आई आर और टी से रिलेटेड फॉर्मूला बताइए। फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर इंटू टी, राइट? यही फॉर्मूला हीट का होता है। तो भैया देखिए, हीट का फॉर्मूला आई स्क्वायर, आई हमारा 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, आर रेजिस्टेंस है 20 और टाइम हमारा है 30 सेकेंड में टाइम। तो ये हमारा हो गया बच्चों 25 इंटू 20 इंटू 30 होता है 600, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 6 होता है 150 और 2 जीरो यहां पर था, तो इतना जूल हीट एनर्जी जो है ये आपकी जनरेट हो रही है इस कंडीशन में। क्लियर है बात? सिंपल था, फॉर्मूला बेस्ड था, बस यहां पर लॉजिक, यहां पर मतलब आइडिया क्या है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी फिर सवाल तो हो जाएगा, ठीक है? डायरेक्ट क्वेश्चन था। वैसे ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन। एक इलेक्ट्रिक मोटर है, इसको एक पावर लाइन से कनेक्ट किया गया है। कितना पावर लाइन है? 220 वोल्ट का पावर लाइन। और कह रहा है ऐसा करने पर जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो उस पावर लाइन से कितना करंट फ्लो कराता है खुद में? 5 एम्पियर का करंट उसके थ्रू फ्लो करता है। यानी आपको गिवन है कि इस इलेक्ट्रिक मोटर को हमने कनेक्ट कर रखा है पावर लाइन से, 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, और ऐसा करने पर उस इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू 5 एम्पियर का करंट फ्लो करता है, राइट? अच्छा फिर क्या था? डिटरमाइन पावर ऑफ मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। टाइम आपको 2 आवर्स दे रखा है, और क्या क्या फाइंड करने को बोल रहा है आपको? आपको 2 चीजें फाइंड करने को बोल रहा है। सबसे पहला तो कह रहा है डिटरमाइन पावर ऑफ मोटर, मोटर का पावर निकालना है, और दूसरा हमसे कह रहा है कि एनर्जी कितना कंज्यूम हो रहा है, तो एनर्जी भी हमें फाइंड आउट करना है, राइट? सबसे पहला चीज हम लोग देखते हैं बच्चों पावर। पावर क्या होता है? पावर का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो पावर होता है वी इंटू आई, राइट? इतना ही पावर का फॉर्मूला होता है। V हमें गिवन है 220 वोल्ट और I हमें गिवन है 5 एम्पियर, ये हमारा हो जाएगा 11, 22 into 5 110 और एक जीरो और है तो 1100 वॉट। और इस 1100 वॉट को क्या बच्चों हम लोग लिख सकते हैं? 1.1 किलोवाट। ये आवर में दिया हुआ है तो किलोवाट आवर में मैं आंसर फाइंड करना चाह रहा हूं, राइट? कितना पावर हमारा कंज्यूम हो रहा है, इस मोटर ने कंज्यूम किया 1.1 किलोवाट। और दूसरा हमसे पूछ रहा है कि मैं बताओ कितना एनर्जी कितना कंज्यूम हो रहा है, तो एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम, करेक्ट? एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? पावर इनटू टाइम। तो पावर हमारा है 1.1 किलोवाट और टाइम हमारा है 2 आवर, तो एनर्जी हमारा कितना कंज्यूम हो रहा है? 1.1 इनटू 2 यानी कि 2.2 किलोवाट आवर। अच्छा अगर क्वेश्चन में कहता है कि एनर्जी को जूल में फाइंड करना है तो आप किलोवाट आवर में फाइंड कर लीजिए, और किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर कितना होता है बच्चों? 3.6 इनटू 10 रेज टू द पावर 6 जूल, तो मल्टीप्लाई और कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर है? ये दोनों सवाल समझ में आए, और ये दोनों सवाल जब आपने समझा तो क्या आपको ये समझ में आया कि अगर फॉर्मूला हमें सारा याद हो तो इन क्वेश्चंस में कोई दम नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। इसलिए मैं कह रहा हूं आसान है, आपके मार्क्स इसमें नहीं कटने चाहिए किसी भी हालत में, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। चलिए बच्चों इसे नोट कर लीजिए, समझ कर नोट करिएगा। चलिए बच्चों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड
कि दो क्वेश्चन बेहद आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बस फॉर्मूला पुट करने का आइडिया आपको होना चाहिए और उसके बाद फिर ये दोनों सवाल जो है बहुत आसानी से बन जाएंगे। इन दोनों सवाल को हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चंस इससे पहले बोर्ड में आ चुके हैं, तो इसको आप सॉल्व करिए, आपको समझ में आया कि भाई ऐसे इजी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग इन दोनों क्वेश्चनों करते हैं, उसके लिए पहले सवाल पढ़ते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूट द हीट एनर्जी, क्या फाइंड करना है, हमें कैलकुलेट करना है हीट एनर्जी। कंप्यूट द हीट एनर्जी व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम चार्ज इन 1 आवर थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। जरा समझिएगा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा है कि हमें कैलकुलेट करना है हीट एनर्जी जो कि जनरेट हो रही, जो हीट जनरेट हो रही, कब हीट जनरेट हो रही, जब हम 96,000 कूलम चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो कि हमें गिवन है कि जो चार्ज है वो 96,000 के बराबर, ठीक है। इतने चार्ज को हम लोग 1 आवर में, टाइम कितना दिया बच्चों, 1 आवर, 1 घंटे का समय है, उसमें हम लोग 96,000 कूलम को ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि कोई सपोज कर लिए कोई वायर है उसमें फ्लो करा रहे हैं, और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो 50 वोल्ट का दिया हुआ है, और हमसे क्या फाइंड करने कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि भैया फाइंड करके बताओ हीट जनरेटेड। तो हीट का फॉर्मूला क्या है, हीट का फॉर्मूला ये याद है बच्चों, हीट का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल्स टू वी आई टी। आप बोलेंगे सर आपने आई स्क्वायर आर टी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि R नहीं गिवन है। बोलेंगे फिर वी स्क्वायर अपॉन आर टी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि R नहीं गिवन है, राइट, हमें तो V बोले। आप बोलेंगे सर करंट भी तो नहीं गिवन है, फिर क्यों आपने किया, करंट और चार्ज डायरेक्टली रिलेटेड है, राइट। तो चार्ज दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ, तो चार्ज और टाइम को यूज करें करंट हम लोग, राइट। तो देखिए इस फॉर्मूले में थोड़े बहुत चेंजेस कर रहा हूं, V into I की जगह हम लोग Q upon T लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाइड बाय एक T यहां पर है, तो T से T कट जाएगा और हीट हमारा हो जाएगा V into Q। अब बच्चों देखिए हीट कितना जनरेट हो रहा है, कैलकुलेट कर सकते हैं, V हमारा है 50 वोल्ट और Q हमारा है 96,000 कूलम। तो देखिए 96 × 5 होता है 480, 10 यहां पर है और 30 यहां पर है, दिसमत जूल, यानी इसको आप लिख सकते हैं 4.8 × 2, 2, 4, 1, 5 और 1 डेसिमल ये है, इसलिए 6 × 10⁶ जूल। इतनी हीट एनर्जी जो है वो आपकी जेनरेट हो रही है जब आप 96,000 कूलम को 50 वोल्ट के अक्रॉस ट्रांसफर कर रहे हो 1 आवर के लिए, 1 आवर के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, आपने बस I की जगह Q upon T लिखना था, बस इसके अलावा और कुछ सवाल में था नहीं। इस सॉल्यूशन को देखिए जरा, इस क्वेश्चन को देखिए जरा, क्वेश्चन कह रहा है बल्ब इज रेटेड एट 5 वोल्ट 100 मिली एम्पीयर, यानी आपको गिवन है कि एक बल्ब हमारे पास है, उसकी रेटिंग की गई कि भैया उसको कितने वोल्टेज पे चलाओ, कितना करंट उसके थ्रू फ्लो करे, ऐसे रेटिंग है। उस रेटिंग में उस बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट और करंट जो है वो दे रखा है 100 मिली एम्पीयर। 100 मिली एम्पीयर का मतलब क्या होगा बच्चों, 100 × 10⁻³ एम्पीयर। भाई मिली एम्पीयर को एम्पीयर में कन्वर्ट करें, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमें सवाल में क्या रखा है कि बल्ब है जिसको रेट कर रखा है पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट, करंट 100 × 10⁻³ एम्पीयर। अब क्या क्या फाइंड करना है आपको, यू हैव टू फाइंड, सबसे पहला तो आपको फाइंड करना है पावर पी और दूसरा आपको फाइंड करना है रेजिस्टेंस आर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पावर का फॉर्मूला यूज करते, पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अच्छा क्या क्या गिवन है ये पहले देख लेते हैं, फिर पावर का फॉर्मूला पुट करेंगे। वी और आई गिवन है, तो पावर का फॉर्मूला क्या है, V into I, ये रो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किया और आंसर निकल कर आ जाएगा। V हमारा कितना है 5 वोल्ट और करंट हमारा कितना है 100 × 10⁻³ एम्पीयर। तो 5 × 100 हो गया 500 और 10⁻³ आपका होता है नीचे, मतलब 10 माइनस 3 नीचे जाएगा, 10³ हो जाएगा, यानी कि 1000 एम्पीयर।
ये हमारा कितना आ रहा है 1/2 सॉरी नॉट एम्पियर वॉट वोल्ट इनटू एम्पियर आपका हो जाएगा वॉट 500 अपॉन 1000 यानी 1/2 वॉट ठीक है तो पावर हमारा कितना निकल कर आया बच्चों 1/2 यानी कि 0.5 वॉट व्हाट इज द पावर ऑफ दिस बल्ब ये 0.5 वॉट पावर का बल्ब है ठीक है और दूसरा पार्ट देखिए इसमें कह रहे रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो बहुत आसान है वी अपॉन आई वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना तो आर क्या हो जाएगा वी अपॉन आई वी हमें कितना गिवन है वी हमें 5 वोल्ट गिवन है और आई हमें गिवन है 100 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 3 एम्पियर ये 100 ये 10 रेज टू माइनस 3 एम्पियर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 रेज टू दी पावर 3 यानी कि 1000 अपॉन 100 वोल्ट पर एम्पियर ये होगा बच्चों ओम दो जीरो कट गया यहां से रेजिस्टेंस हमारा निकल रहा है 5 इंटू 10 यानी कि 50 ओम इस बल्ब का रेजिस्टेंस 50 ओम है डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके सॉल्व किया तो बच्चों चलिए इसको आप लोग समझ कर नोट कर लीजिए ठीक है ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे ये एग्जाम में अगर पूछे जाए तो कहीं से भी आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए इसके लिए आपको फॉर्मूला सारे याद होने चाहिए फॉर्मूला अच्छे से याद रखिएगा इसे नोट कर लिया बच्चों चलिए बच्चों आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं आज के लेक्चर में हमने बहुत बेसिक क्वेश्चंस किए हैं जहां आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है और सवाल खुद ब खुद बन जाएगा जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करेंगे इसमें धीरे धीरे देखिए हम लोग सवाल का जो लेवल है वो बढ़ा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सवाल का लेवल और बढ़ जाएगा वहां पर फॉर्मूले के साथ साथ हो सकता है थोड़ा बहुत दिमाग आपको लगाना पड़े लेकिन उसके बाद का जो लेक्चर है उसमें बिल्कुल लगाना ठीक है तो सारे लेक्चर्स देखिएगा इसके बिल्कुल मत करिएगा और पढ़ाई जरूर करिएगा ठीक है चलिए बाय बाय टेक केयर स्टे सेफ और प्रैक्टिस कर लीजिए कुछ क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं बेसिक बेसिक क्वेश्चंस ठीक है चलिए बाय बाय